हेलो स्टूडेंट्स, आरसे एजू हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंटीग्रेशंस देखे थे, सिंपल क्वेश्चंस देखे थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। उसी तरीके के क्वेश्चनों को और हम आगे बढ़ाते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ चुके थे, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। आपको इंटीग्रेशन करना है sec x into sec x plus tan x dx, यानी कि x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, ये बन गया इंटू में dx। अब देखिए, हमने कि एक फंक्शन तो ये है और एक फंक्शन ये है, तो इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x और dx, ये दो फंक्शन बन गए अलग अलग। अब आपको पता है ये स्टैंडर्ड फार्मूला है और ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला, दोनों स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, तो डायरेक्टली इनकी वैल्यू रख सकते हैं। तो sec स्क्वायर x का क्या होता है, इंटीग्रेशन tan x, प्लस sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है c, वो भी आएगा। तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आया है, ये वैल्यू निकल के आई है जो कि आंसर है। बहुत ही सिंपल है, केवल टू स्टेप्स में क्वेश्चन आपका हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इधर बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टेन है आपका, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमें निकालना है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर सेकंड में आपने देखा होगा आई इज इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई टू इंटू डी एक्स। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंट है, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा पाई बाई टू, और यहाँ पे डी एक्स यहाँ पे हम वन लिख सकते हैं, और वन का इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है, वन का क्या हो जाता है एक्स, तो यहाँ पे पाई बाई टू इंटू एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये निकल करके आ गया है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही सिंपल है। केवल आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होती है, पाई बाई टू, उसके बाद में हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टैंडर्ड फार्मूला तो कोई नहीं है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे 1 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। तो आई के इक्वल मान लेते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस हमने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये माइनस हमने सेम रख लिया है। नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे डी एक्स। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको तो हमने अलग लिख लिया है, अलग कर लिया है इसको अलग, ये क्या हो गया माइनस वन और माइनस वन माइनस टू। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में डी एक्स। अब हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन जाएंगे और उसके बाद में हम इनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसको दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, वन डी एक्स अलग कर लिया, माइनस यहाँ पे टू बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन को क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम कई बार कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स का वन का, तो एक्स माइनस में, ये देखो ये किसका इंटीग्रेशन है, ऐसा फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये किसका है, टेन इनवर्स एक्स का। तो इसकी जगह लिख सकते हैं टू इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस में इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा आपका आई की वैल्यू। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वो गिवन है आपको इंटीग्रेशन निकालना है टेन स्क्वायर एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, ये इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि टेन स्क्वायर एक्स जो है इसका हम डायरेक्ट कोई भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम कैसे करेंगे, क्या इसको किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इसको आई के इक्वल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन
tan इन स्क्वायर x dx। अब आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर x। तो हम tan स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अगर निकाल लें तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो क्या हम tan स्क्वायर x की जगह ये लिख दें तो उसके बाद में क्वेश्चन हो जाएगा। चलो ये लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर x की जगह यहाँ से sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अगर अलग अलग करेंगे तो देखो यहाँ पे sec स्क्वायर x डी एक्स और यहाँ पे माइनस 1 डी एक्स, ये बच गया आपका। अब इसका हम डायरेक्टली अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और हमने पढ़ लिया है, हमने लर्न कर लिया है। 1 का हम कई बार निकाल चुके हैं, 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, इसको 1 को x की पावर 0 रख करके और फिर x की पावर n वाले इंटीग्रेशन फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं, प्लस में कॉन्स्टेंट जो आप हम हमेशा लगाते हैं। तो i इज इक्वल टू हमारे पास ये निकल करके आया है जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके सामने है। हमें कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। ये सेम रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकाला है, उसी तरीके से ये निकलेगा। देखो आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें तो कोट स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह ये रख सकते हैं यहाँ पे, चलो रख देते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा, कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह हम रखते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लेते हैं दोनों पार्ट्स को, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहाँ पे माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, किसका है, माइनस कोट एक्स का, तो क्या बन जाएगा, माइनस कोट एक्स, और यहाँ पे माइनस बाहर चल रहा है, 1 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा एक्स, प्लस में सी। ये आई इज इक्वल टू हमारे पास निकल करके आ गया है, यानी कि कोट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस में सी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो भी है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स, ये हमें सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए डायरेक्टली अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके का हमने अभी तक कोई भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, अगर नीचे अंडर रूट में कोई नंबर्स हैं तो हम उसका रैशनलाइज कर सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे देखो ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स। रैशनलाइज करेंगे तो क्या जाएगा, ये देखो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, किससे, 1 प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स इंटू में डी एक्स, यहाँ पे चल ही रहा है आपका। तो यहाँ पे देखो ये तो ऊपर आ जाएगा पूरा पार्ट, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस में एक्स, और नीचे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, नीचे क्या बच गया, 1 बच गया है यहाँ पे, सॉरी रूट एक्स है और डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको अलग निकाल सकते हैं बाहर और इसको अलग बाहर से निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई 2 इसकी पावर, प्लस में यहाँ पे x की पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं, और अंटू में क्या चल रहा है आपका डी एक्स, बिकॉज x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो x 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2 है, तो x की पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है वहाँ पे ही देखेंगे हम। तो यहाँ पे x की पावर n वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर
वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन। यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएगा, प्लस में x की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन, और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, वन प्लस एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, प्लस में यहाँ पे भी x की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस में c। अब ये थ्री बाई टू ऊपर जा ला जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये टू बाई थ्री वन प्लस एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस में टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस में c। जो ये वैल्यू निकल के आई है ये किसकी वैल्यू है, i की है, और i क्या था हमारे पास, ये इसकी वैल्यू हमने मानी थी, इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, ये निकल के आ गई जो कि हमारा आंसर है।